महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर हैं राहुल नार्वेकर। फैसले से पहले राहुल नार्वेकर का एक बयान भी सामने आ गया है, आज का फैसला ऐतिहासिक होगा, ये कहना है राहुल नार्वेकर का। सुनवाई पूरी हुई है, आज निर्णय आएगा, फैसला संविधान और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ही होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा था राहुल नार्वेकर ही फैसला करेंगे, ताकीद राहुल नार्वेकर को तारीख के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई। पहले 31 दिसंबर तक ये फैसला आना था, उसके बाद कुछ और वक्त मांगा गया और अब आज 10 जनवरी तक का ये मौका और आज ही अब इस मामले में फैसला आना है। पात्रता के याचिका के ऊपर सुनवाई पूरी हो चुकी है और मैटर ऑर्डर्स के लिए रिजर्व किया गया है। इस मैटर के ऊपर आज निर्णय दिया जाएगा। ये निर्णय संपूर्ण रूप से कानून को में जो प्राविधान है, संविधान में जो प्राविधान है और सर्वोच्च न्यायालय ने जो प्रिंसिपल सेट किए हैं उसके आधार पर ही ये निर्णय लिया जाएगा। शेड्यूल में जो प्रोविजंस है जिनका इंटरप्रिटेशन आज तक कुछ प्रोविजंस का हुआ नहीं है, कोई ऐसे विशेष घटनाएं हुई है जिसका इंटरप्रिटेशन अभी तक किसी केस में हुआ नहीं है, वैसे इंटरप्रिटेशन इस केस में करने की ज़रूरत थी और इस केस में उस प्रकार से उचित सभी कानून का कानून के प्राविधानों का विचार करके। तो संविधान और सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से ही फैसला आएगा, ये कह रहे हैं राहुल नार्वेकर। हालांकि इस फैसले से पहले सीएम शिंदे और स्पीकर नार्वेकर की एक मुलाकात हुई है जिसको लेकर शिवसेना की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं। की मिलीभगत तो नहीं है और सिर्फ मिलीभगत कोई व्यक्तिगत रूप में केस नहीं है, देश में प्रजातंत्र रहने वाला है या नहीं है या दोनों मिलकर प्रजातंत्र की हत्या करने की साजिश कुछ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ऐसे अर्थ भी निकाला जा सकता है। और इसलिए जैसे मैंने कहा कि आज और कल ही हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक एफिडेविट दिया है और जिसमें दो बार मिले हैं, वो उसमें हमने लिखा है कि आप भी उसमें देखो और मैं आपके माध्यम से जो जनता की अदालत है, क्योंकि जनता सर्वश्रेष्ठ होती है और उसी लिए हम लड़ रहे हैं, जनता का अधिकार अगर कोई छीनता है तो हम तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो व्यक्ति भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहा है उसे विधानसभा अध्यक्ष का रोल क्या रहता है, उनकी जिम्मेदारियां क्या रहती है, उनको क्या क्या काम करना पड़ता है, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष की महीने 15 दिन में मुलाकात होती है, बोर्ड के विषय रहते हैं, इसके बारे में मालूमात शायद उनको होनी चाहिए थी, लेकिन जब वो स्वयं मुख्यमंत्री थे तो शायद उन्हें ज़्यादा इस विषय की मालूमात लेने का वक्त नहीं मिला होगा, तो इसके बारे में और क्या कह सकता हूँ मैं। और देखिए, इससे पहले संजय राउत जो शिवसेना उद्धव गुट के सांसद हैं उनकी तरफ से भी एक बयान सामने आया, वो कह रहे हैं कि आज गैर कानूनी सरकार पर फैसला आना है, इस सरकार की मैच फिक्सिंग आज शाम 5 बजे खत्म हो जाएगी क्योंकि फैसला आ जाएगा, राज्य का मुख्यमंत्री असंवैधानिक है, यहां तक कह रहे हैं संजय राउत। हमारा जो कहना है इस राज्य के मुख्यमंत्री गैर कानूनी तरीके से सत्ता पर बैठे हैं, वह हमारे हिसाब से एक अपराधी है, आरोपी है। अगर न्यायमूर्ति न्यायालय ट्रिब्यूनल जाकर बंद कमरे में मुख्यमंत्री यानी आरोपी के घर में जाकर 2 घंटा बैठता है बार बार, तो आप क्या समझोगे? और आज फैसला है तो क्या आप आरोपी को आपका फैसला दिखाने के लिए गए थे? आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं मुंबई से, हमारे सहयोगी कृष्णा ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कृष्णा, आज महाराष्ट्र की सियासत के लिए फैसले की घड़ी, ऐसे में किस तरीके की सुगबुगाहट, किस खेमे में कितनी बेचैनी, खबरें क्या मिल रही हैं? देखिए रोमाना, बेहद ही ऐतिहासिक दिन है, 1.5 साल से शिवसेना विधायकों के जो शिवसेना के दोनों गुट हैं उनके विधायकों को लेकर अयोग्यता वाली याचिकाएं जो हैं वो दायर की गई थी, दल बदल कानून के तहत दोनों ही तरफ से ये याचिका दायर की गई थी और 1.5 साल के लंबे इंतजार के बाद आज वो घड़ी आ गई है जब विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर इसे लेकर फैसला लेंगे। कहा यह जा रहा है कि शाम 4 बजे के करीब यह फैसला आएगा। उससे पहले मैं इस वक्त जहाँ पे मौजूद हूँ, मेरे पीछे आप ये सह्याद्री
गेस्ट हाउस देख रहे हैं, सरकारी गेस्ट हाउस है, यहाँ पर कैबिनेट की मीटिंग जो है वो चल रही है और अब से कुछ ही देर पहले ये मीटिंग खत्म हुई है और एक एक करके सभी विधायक जो है वो निकल रहे हैं। हमने जब शिंदे गुट के जो MLA हैं गुलाबराव पाटिल उनसे आज के फैसले को लेकर बात की है तो उन्होंने ये कहा है कि रामलला के आशीर्वाद से जो फैसला होगा वो हमारे हक में होगा। वहीं दूसरी तरफ जो उद्धव गुट लगातार स्पीकर और मुख्यमंत्री के मुलाकात को लेकर जो सवाल कर रहे हैं तो उस पर उन्होंने कहा गुलाबराव पाटिल ने कि मुलाकात जो है वो कोई किसी से भी कर सकता है, इसे लेकर किसी भी तरीके की बंदिशें नहीं है। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। वहीं दूसरी तरफ जो शिंदे गुट हैं वो स्वाभाविक तौर पर अभी उद्धव गुट के मुकाबले काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है और सभी लोग यही कह रहे हैं एक सुर में कि जीत जो है वो उनके हक में होने वाला है। और इस बीच जैसा कि आपने खुद ही बताया कि 1.5 साल के इंतजार के बाद आखिरकार आज ये फैसले की घड़ी आई है और इस बीच जो जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई राहुल नार्वेकर को, ये कहते हुए कि साहब ये फैसला लेने का अधिकार तो विधानसभा के अध्यक्ष पर है, तो उनके सामने मामला किस तरीके से आगे बढ़ा, दलील क्या दी गई, इस पर भी आप आगे जानकारी दीजिएगा। फैसले से पहले शिंदे ने कैबिनेट बैठक की है, ये बड़ी खबर है अभी जिसके बारे में जानकारी कृष्ण ठाकुर दे रहे थे और वो कैबिनेट की बैठक अब खत्म हो चुकी है। जी कृष्णा, देखिए रोमाना, अब कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और एक एक कर सारे विधायक जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं। मुख्य तौर पर कई विधायक हैं वो इस वक्त कैमरे के सामने बोलने से बच रहे हैं कि कैबिनेट मीटिंग में क्या कुछ चर्चा हुई, लेकिन जो विधायक कैमरे के सामने बोल रहे हैं वो यही कह रहे हैं, शिंदे गुट के विधायकों से हमने बात की, वो ये कह रहे हैं कि रामलला के आशीर्वाद से आज जो जीत है वो हमारी होगी और जो उद्धव गुट के जो विधायक हैं वो अयोग्य करार दिए जाएंगे। उससे पहले आप देखें कि 1.5 साल तक ये पूरा जो है वो सुनवाई चला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि विधायकों की अयोग्यता को लेकर जो फैसला लिया जाना है वो विधानसभा स्पीकर के पास हम छोड़ते हैं। उसके बाद विधानसभा स्पीकर ने कम से कम 6 से 7 महीने के दौरान इसको लेकर सुनवाई की और दोनों ही पार्टी के जो चीफ व्हिप हैं उनकी क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई, तमाम जो बिंदु हैं उन पर सवाल किया गया। सबसे मुख्य तौर पर इनमें सवाल ये था कि जो पार्टी का व्हिप है वो क्यों नहीं माना गया, और पार्टी का व्हिप मानने को लेकर सवाल किए गए। सवाल ये किया गया कि जो उद्धव गुट के जो व्हिप हैं उनके तरफ से जारी किया गया व्हिप असली था या जो एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से जो व्हिप है वो जारी किया गया था वो असली था, तो तमाम ऐसे क्वेश्चन जो है व्हिप को लेकर सवाल खड़े किए गए। और ये 6 से 7 महीने की ये पूरी जो प्रोसेस हुई है वो बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए कृष्ण ठाकुर, नजर बनाकर रखिएगा। और जैसा कि कृष्ण बता रहे हैं कि शाम 4 बजे के बाद ही ये फैसला आएगा और फैसला आना इस बात को लेकर है कि क्या होगा एकनाथ शिंदे का, सीएम बने रहेंगे या फिर जीत जो है वो उद्धव ठाकरे को मिल जाएगी, ये वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज शाम में मिल जाएगा। ABP News आपको रखे आगे।